हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का टॉपिक आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गूगल क्रोम से रिलेटेड, और आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर रन नहीं हो रही हैं। आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सपोज वो कोई MP ऑनलाइन हो सकती है, UP ऑनलाइन हो सकता है, या आप कोई राजस्थान से रिलेटेड कोई वेबसाइट, या कोई कॉलेज से रिलेटेड, या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या कोई ऐसी वेबसाइट जिसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। इन साइट पर आके आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने जाते हैं तो वो दिस साइट कैन नॉट बी रीच का यहाँ पर एरर आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों देखिए, इसके कई सारे वीडियोज मैंने अपनी चैनल पर प्रोवाइड कराए हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हुई है, हमारे में बार बार यही एरर शो कर रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, तो दोस्तों आप लोगों से ये बार बार यही चीज बोलता हूँ कमेंट में मैं आपको कि प्लीज मेरी अनदर वीडियो को भी वॉच कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि सिमिलरली एक ही वीडियोज़ पर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन एक ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी जितनी भी उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं चैनल पर मेरे, वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए। आपका किसी ना किसी वीडियो से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मेरी जो वीडियोज़ है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड की, उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिस पर पॉजिटिव रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं मान सकता कि वो वीडियो मेरे काम नहीं कर रही है, जो मैंने ट्रिक बताई वो आप लोगों के काम नहीं कर रही है। तो वो मैं आप लोगों को फिर से वही चीज़ बता दूं कि आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं एरर को और फिर फंस जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि सर मेरी तो एरर सॉल्व भी नहीं हो रही है। तो ये दोस्त आप अपने ऊपर लीजिए, मेरे को मत दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं अपना यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो, लेकिन अब आप देखना ही पसंद नहीं करते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहाँ पर मेहनत तो करना पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम तो अपना देना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने आप हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ। ऐसे ही कल एक एरर थी जो कि मैं आपको अभी साइट की स्क्रीन पर दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, जो कि कल ही एक एरर आई थी मेरे पास, जो कि मैंने मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर में वो रिजॉल्व कर दी थी। लेकिन देखिए, उसमें भी एक मिस्टेक थी जो आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, वही चीज़ उन्होंने ही की थी, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ ऐसे ही यूट्यूब टिप्स और टेक्निकल टिप्स से रिलेटेड वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जैसे कल उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मैंने किया है, वैसे आपकी भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है आपको, और आपका भी वहाँ पर सॉल्यूशन दे सकूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ वीडियो में। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जहाँ पर एक मैडम है जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था इंस्टाग्राम पर, और उनको प्रॉब्लम थी गूगल क्रोम से रिलेटेड। उनका जो वेबसाइट्स थी वो एक्सेस नहीं कर पा रही थी, उनका जो साइन इन करा था उन्होंने अपने गूगल क्रोम के अंदर वो भी यहाँ पर एरर शो कर रहा था, और दोस्तों वो कोई भी वर्क नहीं कर पा रही थी गूगल क्रोम के अंदर। तो दोस्तों मैंने उनसे मैसेज में ही कॉन्टैक्ट किया, मैसेज में ही सारी चीज़ें समझाई, और दोस्तों लास्ट में उनका यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया है सॉल्यूशन को। तो दोस्तों देखिए, उनका भी यही प्रॉब्लम था, उन्होंने एक वीडियो को देखा और उस वीडियो के बाद मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लिया। ठीक है, उन्होंने कॉन्टैक्ट तो किया लेकिन उन्होंने सारी वीडियोस तो नहीं देखी। अगर वो सेकंड वीडियोस पे जाती 100% उनकी यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाती, क्योंकि सेकंड वीडियोस में ही उसका सॉल्यूशन था। तो ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि नहीं हमारा एक ही वीडियो से शॉर्ट आउट हो जाए, तो वो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एरर होती है वो 10 तरह की एरर होती है, इसलिए आपको ये समझना होगा और आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एरर वन बाय वन, आपको एरर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके रखनी होगी, तभी आपकी यहाँ पर शॉर्ट आउट हो पाएगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई वेबसाइट से कोई नेट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो सिंपल सा एक चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ पर, कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल पैनल थी जो वीडियो है वो मेरी आने वाली है चैनल पर। ठीक है, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल पैनल के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि कंट्रोल पैनल से आप अपने गूगल क्रोम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको एक नया क्रोम यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा है, जो अपना ओल्ड वाला है आपका गूगल क्रोम उसमें काम नहीं कर रहा, तो एक बार अपने नेट को चेंज करके देखिए। आपका अगर वाईफाई हो तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके देखिए, अगर आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट है तो उसको वाईफाई से कनेक्ट करके देखिए, या कोई दूसरा मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट करके देखिए। दोस्तों आपका कहीं ना कोई सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जिसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो दोस्तों उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब तक उसका सर्वर यहाँ पर फ्री नहीं होगा तब तक आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका एक और सॉल्यूशन है
अगर आपकी सारी वेबसाइट चल रही है, सिर्फ एक वेबसाइट रन नहीं हो रही है, तो आप उसका वहाँ पर वीपीएन का यूज कर सकते हैं और अपनी लोकेशन को अदर कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप वो वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई ऐसी वेबसाइट्स रहती हैं जो इंडिया गवर्नमेंट अपनी बैन कर देती है, उन वेबसाइट को आप कैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया की लोकेशन देते हैं गूगल क्रोम को, तो आपको वो वैसे भी एक्सेस नहीं करने देगा। तो इसलिए अपन वीपीएन का यूज करते हैं, वहां से आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है और उन वेबसाइट्स को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था और सारी चीजें मैंने इस वीडियो में समझा दी। प्लीज ऐसा मत कीजिए कि आप एक ही वीडियो देखिए और उसके बाद आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सारी वीडियोस को देखिए, जो टॉपिक है जिस साइड कैन नॉट बी रीच, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पर, उसको प्लीज देखिए, वॉच कीजिए। और फिर नहीं होता है सॉल्यूशन तो देन मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल आपकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।